आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, मैं आप सभी से जो है एक नई जो है भर्ती के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये CGL की भर्ती है, इसमें मैं आप सभी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक टेबल दिया गया है। इस टेबल में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं। इस डेट में जैसे कि क्या दिया गया, डेज फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन, ये 24/6/2024 से 24/7/2024 तक ये फॉर्म फिलअप का डेट दिया गया है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन, 24/7/2024 तक आप जो है ऑनलाइन अप्लीकेशन का रिसिप्ट आप दे सकते हैं। लास्ट डे डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, ऑनलाइन फ़ी पेमेंट 25/7/2024 तक जो है आप ऑनलाइन फ़ी पे कर सकते हैं। और फिर उसके बाद डेट्स ऑफ विंडोज़ फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, ये 10/8/2024 से 11/8/2024 तक का डेट दिया गया है। फिर उसके बाद टायर वन का जो एग्ज़ाम है वो सितंबर से अक्टूबर के बीच में जो है डेट दिया गया है। और फिर उसके बाद जो है टायर टू का जो एग्ज़ाम है दिसंबर में दिया गया है। तो कुल मिला जो कि सबसे बड़ी भर्ती निकल के सामने आई है। अब देखिए, आप सभी लोग देखेंगे यहाँ जो है पोस्ट दिया गया है, अलग अलग जो है पोस्ट दिया गया है और उसके सामने उसका एज भी दिया गया है। जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का यहाँ पोस्ट दिया गया है, ये इसमें 20 से 30 साल उम्र होनी चाहिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट दिया गया है, इंटेलिजेंट ब्यूरो में जो है ये डिपार्टमेंट है, ये 18 से 30 साल उम्र होनी चाहिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट दिया गया है, रेलवे में जो है ये 20 से 30 साल उम्र होनी चाहिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में दिया गया 20 से 30 साल। तो कुल मिला जुला के देखेंगे तो कई विभाग में जो है अलग अलग पद दिए गए हैं। और दूसरी चीज़ है, इसमें जो एज की लिमिट दी गई है 18 से 30 साल, मैक्सिमम 30 साल उम्र होनी चाहिए, 30 साल के बाद वालों के लिए नहीं है। तो 18 से 30 साल जिसकी उम्र है वो जो है भर सकता है। और इसमें आप लोग देखेंगे तो सैलरी है, सैलरी भी बहुत अच्छा दिया गया है। इसमें सैलरी है 44,900 से 1,42,400 रुपये, ये जो है सैलरी दिया है। पे लेवल 1, ठीक है, पे लेवल 7। फिर उसके बाद दूसरा देखेंगे, दूसरा है लेवल 6 के लिए। पे लेवल 6 में देखेंगे अलग अलग पोस्ट दिया गया, जैसे कि देख पा रहे होंगे आप लोग, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट दिया गया है, इसमें 18 से 30 साल उम्र होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का दिया है 18 से 30 साल। डिविजनल अकाउंटेंट, अलग अलग मतलब पोस्ट दिया गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसमें जो सैलरी दिया गया है, सैलरी देखिए 35,400 से 1,12,400 रुपये दिए गए, मतलब बहुत ज़्यादा सैलरी और बहुत बहुत अच्छी जॉब है, इसको आप लोग जो है फिल करिए। फिर अलग दूसरा देखिए, नेक्स्ट है पे लेवल 5 में, इसकी सैलरी 29,200 से 92,300 है। इसमें भी देखिए ऑडिटर का पोस्ट है, फिर अकाउंटेंट का पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट दिया गया है। उसकी उम्र सीमा जो है 18 से 27 साल, सबके लिए 18 से 27 साल उम्र दिया गया है। फिर पे लेवल 4 में भी देखेंगे आप लोग जो है, पे लेवल 4 का जो सैलरी स्ट्रक्चर है 25,500 से 81,100 रुपये है। इसमें देखिए पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, सीनियर डिवीजन असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, ये अलग अलग पोस्ट दिए गए, जिसमें उम्र की सीमा जो है 18 से 27 साल ही दी गई है। तो कुल मिला जुला के आप सभी के लिए बहुत अच्छा जो है सुनहरा अवसर है, आप इस फॉर्म को फिलअप करिए। SSC द्वारा बहुत अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जो है ये नेशनलिटी दिल्ली इंडिया का जो है नागरिक होना चाहिए। एज आपको हर पोस्ट के लिए अलग अलग एज दिखाया गया है। और फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि जो है एज का रिजर्वेशन भी दिया गया है, एज में छूट भी अलग अलग जो है कैटेगरी के लिए दिया गया है, जैसे SC ST के लिए 5 साल की छूट, OBC के लिए 3 साल की छूट दी गई है। और भी जो है कैटेगरीज हैं जिसके लिए देखिए, PWBD के लिए 10 साल दिया गया है, PWBD OBC के लिए 13 साल दिया गया है, फिर 15 साल दिया है, मतलब अलग अलग कैटेगरी के लिए छूट दिया गया है। कुल मिला जुला के जनरल वालों के लिए कोई छूट नहीं है। और SC ST के लिए अच्छा, SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल की छूट दी गई है। तो आप लोग देखेंगे तो ये 109 पेज का PDF है, लगभग ये बहुत बड़ा जो है PDF है,
इसमें बहुत सारे डिटेल्स दी गई है, हर चीज़ों को दिखाया गया है। आप सभी को मैं ये जो है पीडीएफ्स जो है शेयर कर रहा हूँ, आप लोग देख के इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और भी डिटेल्स आप अच्छी तरीके से पढ़ के जो है इसको आपको फिर करिए। और इसमें जनरली जो है जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री है, बैचलर डिग्री मांगा गया है, तो जो भी जो है ग्रेजुएट हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो को जानने के लिए हमारे ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए और भी इन्फॉर्मेशन की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। देखिए मैं आप सभी से जो है इसका पीडीएफ जो है हर पेज का जो है पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे कि ये पीडीएफ है। यहाँ पेपर का सिलेबस भी दिया गया है, इस एग्ज़ाम का सिलेबस भी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये दिया गया, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके जो है इस फॉर्म को फिलअप करिए। बहुत बड़ी भर्ती है, सीजीएल के द्वारा सबसे अच्छी भर्ती मानी जाती है। हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग भर्तियाँ दी गई है। अब देखिए सारा चीज़ कुल मिला जुला के 109 पेजेस है, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैंने आप सभी से डिस्कस कर लिया, उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल से बने रहिएगा। धन्यवाद।